मॉर्निंग एवरीवन, सभी को जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। और अभी समय हो रहा है 8 बजे का, और अभी तक हमारी चाय नहीं हुई है क्योंकि रात में ही दूध खत्म हो गया था। जब दूध वाले भैया आएंगे तब हमारी चाय बनेगी। वो ये गए हैं नहाने, मैं नहा के एकदम फ्रेश हो गई हूँ। खाना कुछ वही रोज सब्जी दाल खा खा के एकदम मन ही नहीं कर रहा है ये सब खाने का। तो अब सोच रहे क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। तो मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी बना लेती हूँ। वो खिचड़ी हम दोनों को पसंद है, कई लोगों को पसंद नहीं होती है लेकिन हम दोनों को अच्छा लगता है। और उसमें हम लोग ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो हेल्दी भी हो जाता है, टेस्टी भी हो जाता है, जल्दी भी बन जाता है। तो आज बस खिचड़ी बनेगी। मैंने चढ़ा दी है और बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैंने बनाई है चना चाट। तब तक थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, हेल्दी एंड टेस्टी। और तब तक खिचड़ी भी बन जाएगी और इनके ऑफिस का भी टाइम हो रहा है तो वो खा के निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तब तक हम लोग इन्जॉय करते हैं अपनी चना चाट। और अभी तक दूध वाले भैया नहीं आए तो चाय तो बिल्कुल हुई ही नहीं है। जब वो आएंगे तब चाय बनेंगे। टाइम हो रहा है 1:30 बजे का और मैं लंच करके 11 बजे सो गई थी, और टाइम ऐसे निकल गया कि 2 कब बज गया पता ही नहीं चला। तो जाती हूँ, पानी आ रहा है, पानी भी भरना है, और बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जो घरी करके मुझे दीवान में रखने हैं जो फिट नहीं आ रहे हैं। और ठंड भी बहुत ही कम हो गई है, ना के बराबर। तो एक दो स्वेटर ही बाहर निकाल के रखूँगी, बाकी सोच रही हूँ कि अंदर रख दूँ क्योंकि बाहर रखे रखे स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरते हैं। तो जा रही हूँ, बहुत सारा काम है तो काम करती हूँ। काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, 5 बज गया है। तो किचन साफ़ हो गया है, बर्तन वॉश हो गए हैं, जो कपड़े भिगोने थे कपड़े भी भिगो दिए हैं। और इसी बीच लग गई मुझे बहुत तेज़ भूख, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा साबूदाना रखा हुआ था तो उसकी खिचड़ी बना ली है। तो बस अब मैं ये खाऊंगी। और लोग कहते हैं कि 2 जनों में कितना काम है, बस खाना बनाना, बस ऐसा नहीं होता है, काम उतने ही होते हैं, बहुत सारा काम होता है करने वालों के लिए। तो धीरे धीरे जितना हो सकता है जैसा करना तो पड़ता ही है। और कल दीदी और बच्चे घर निकल गए थे, एक्चुअली वो मेरी केयर के लिए आए थे क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। तो दीदी आई हुई थी बट बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी, तो और नेक्स्ट मंथ उनके एग्ज़ाम है तो वो बार बार जाने की जिद कर रहे थे। तो दीदी ने बोला कि तुम लोग चले जाओ, मैं रुक रही हूँ जब तक घर से कोई नहीं आ जा रहा है मम्मी लोग। लेकिन बच्चे हैं तो मम्मी के बिना रहते नहीं है ना, तो फिर मैंने बोला ठीक है दीदी आप चले जाओ क्योंकि क्यों अपनी वजह से किसी का नुकसान हो। तो वो लोग कल निकल गए थे और देखिए मेरा फेस कितना सूझा सूझा दिख रहा है, कितनी स्वेलिंग लग रही है। एक्चुअली जब मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है या मैं थक जाती हूँ ना तो मेरा फेस ऐसे ही सूज जाता है। तो बस वो लोग निकल गए थे और टाइमली पहुंच भी गए थे। और कई लोग बोलते हैं कि मैंने सुना कि बोलते हैं कि लगता तो कहीं से नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं है, एक्टिव रहती है, सारे काम करती है, अत्य अच्छे से हंसती है बोलती है। तो ये बताइए आप कि क्या मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो वीडियो में रोऊं मैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है मुझे वो प्रॉब्लम है, सारे टाइम अगर रोती रहूँगी तो क्या आपको देखना अच्छा लगेगा? नहीं ना, कि रोते हुए को कौन देखना चाहता है, कोई नहीं देखना चाहता है। तो वीडियो में उतना ही दिखाते हैं जितना ठीक लगता है। अब सारे टाइम रोते तो रह नहीं सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अब जो है सो है, हैंडल तो करना ही है, सब चल रहा है भगवान भरोसे। अभी तक उन्होंने संभाला है, आगे भी वो सब संभाल लेंगे, बस इतना ही रहता है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं कुछ काम।
और फिर मिलती हूँ। ऑफिस से आने का टाइम हो गया है, ये जस्ट अभी ऑफिस से आए हुए हैं और साथ में ये पेटीज लेके आए हैं। रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद हम पेटीज साथ में एंजॉय करेंगे। सरप्राइज। अरे ये कब मंगा लिया? बस मंगा लिया, खोल के देखो कैसा लग रहा है। मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं कुछ नहीं लाया। कोई बात नहीं। मेरा वाला है। ये आपका? ये मैंने खुद को खुद के लिए गिफ्ट कर दिया। थैंक यू। कैसा लगा? बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहा, मैं कुछ नहीं ला सका। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्या है कि जब लाइफ पार्टनर लविंग केयरिंग एंड सपोर्टिंग होना तो हर दिन वैलेंटाइन होता है। हम लोग वैसे मनाते नहीं है वैलेंटाइन वगैरह, लेकिन फिर भी सोचा चलो इस बार मना लेते हैं। तो ये इनका है और ये मेरा। मैंने खुद को ही खुद गिफ्ट कर लिया, मुझे पता था इनको याद नहीं रहेगा क्योंकि ये बिजी रहते हैं कुछ ज्यादा ही ऑफिस में। तो ऑल ऑफ यू।